भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 43 डीएसपी और 25 ट्रेनी डीएसपी का ट्रांसफर हुआ, 12 एएसपी के यहां पर तबादले हुए, गृह विभाग ने आदेश जारी किया। तो भोपाल एसपी दिनेश कौशल पीएचक्यू में अटैच कर दिए गए, एसीपी उमेश तिवारी को शाहजहानाबाद एसीपी बनाया गया, कोतवाली एसीपी बिट्टू शर्मा को ईओडब्ल्यू भेज दिया गया। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल एसपी दिनेश कौशल पीएचक्यू में अटैच कर दिया गया। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एसीपी उमेश तिवारी को शाहजहानाबाद का एसीपी बनाया गया, कोतवाली एसीपी बिट्टू शर्मा को ईओडब्ल्यू भेज दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से 43 डीएसपी और 25 ट्रेनी डीएसपी का ट्रांसफर तबादला किया गया। इधर से उधर 12 एएसपी के तबादले, गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है और अहम खबर, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ है। तो एसीपी उमेश तिवारी को शाहजहानाबाद एसीपी बनाए। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गया। शबीर, आप क्या जानकारी मिल रही है, बड़े पैमाने पर यहां पर फेरबदल हुआ है, प्रशासनिक फेरबदल? मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है और उन सबके बीच आचार संहिता लागू है और ये कह सकते हैं कि इन सबके बीच गृह विभाग की तरफ से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। थोक बंद तबादले किए गए हैं जिसके अंदर 12 एडिशनल एसपी, 43 डीएसपी है और इन सब में महत्वपूर्ण ये है कि जो लंबे समय से, जैसे भोपाल में एडिशनल सीपी है दिनेश कौशल, वो लंबे समय से यहाँ पर पदस्थ थे, उन्हें पीएचक्यू में अटैच किया गया है। इसके अलावा एसीपी है नागेंद्र पटेरिया, ये भी लंबे समय से पुराने शहर में एसीपी पद पर पदस्थ थे, इन्हें भी उनका भी तबादला किया गया। इसके अलावा कोतवाली जो है एसीपी है बिट्टू शर्मा, इनको भी ईओडब्ल्यू भेजा गया है। यानी ये कह सकता है वितोष, पूरी लिस्ट को देखेंगे जो तबादले किए गए, लंबे समय से जो पद पर काबिज थे, एक ही जमे हुए थे एक ही जगह पर, उनके तबादले किए गए हैं आज गृह विभाग की तरफ से। शबीर, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल यहां पर किया गया।